आप अपनी ये फिजिकल आईज तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास एक और रहस्यमय आंख है, जिसे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आख्या चक्र या थर्ड आई कहा जाता है, और हमारी आज की साइंस ने इसे नाम दिया द पीनियल ग्लैंड। आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की माने जिन लोगों की ये थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड में वो चीजें देख पाओगे जो आप अपनी इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद आपकी इंटेलिजेंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप चीजें और घटनाओं को होने से पहले ही जान जाओगे। आपके अंदर कितनी सारी अलौकिक शक्तियां निष्क्रिय रूप में पड़ी हुई हैं, ये आप जान पाओगे। और थर्ड आई के बारे में जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये तो केवल ट्रेलर है। इसके बारे में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि थर्ड आई को ओपन कैसे करना है, हाउ कैन वी एक्टिवेट आवर पीनियल ग्लैंड। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ कैन वी एक्टिवेट आवर थर्ड आई, तो आपको ढेरों आंसर्स मिल जाएंगे जो कॉमन हो सकते हैं, यानी मेडिटेशन। हाँ, आप ध्यान करो, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक आध्यात्मिक तरीका है अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने का, और असरदार भी। लेकिन दुनिया में 90% लोगों का ध्यान ही नहीं लग पाता, तो भला उनकी थर्ड आई एक्टिवेट कैसे हो। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, कोई वीडियो देख लिया कि थर्ड आई खुलने पर ऐसा ऐसा फील होता है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग ध्यान करते समय वही फील करने लगते हैं। एक्चुअल में वो फील होता नहीं है। याद रखना मैंने क्या कहा, थर्ड आई एक्टिवेशन के समय जो एक्चुअल में उनके भीतर नेचुरल होना चाहिए वो नहीं होता। दरअसल वो इमेजिनेशन करने लगते हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो बहुत से लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं। एनीवे, आज जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज्यादातर लोगों पर काम करेगी। थर्ड आई एक्टिवेशन की मेरी ये टेक्निक आपके अध्यात्म की यात्रा में एक जोरदार धक्का देगी, जिससे आपकी दुनिया बदल सकती है। चलिए मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस एक्सपेरिमेंट को आप सब कर सकें। आप आराम से बैठ जाइए। जैसे भी आप बैठते हैं और आप ध्यान करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बस जमीन पर नहीं बैठना है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप जब अपनी ये फिजिकल आईज को बंद कर लेते हैं, तो आपकी इन भौतिक आंखों द्वारा इस्तेमाल हो रही शक्ति खर्च होने से रुक जाती है। यानी आप जिन आंखों से देख सकते हो या देख रहे हो, तो आंखों द्वारा देखने में भी शरीर की एक ऊर्जा इस्तेमाल हो रही होती है। ये अति सूक्ष्म ऊर्जा होती है, तो जब आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती। अब ये ऊर्जा आपके भीतर ही रहती है। अब आपको अपनी ध्यान की शक्ति से थर्ड आई के बीच में जो दीवार है उसे गिराना है, उसे तोड़ना है। आपकी आंखें बंद और अपनी चेतना को एक केंद्र में इकट्ठा करना है। अब चेतना को एक केंद्र में एक बिंदु पर कैसे इकट्ठा करोगे? चेतना मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता, आपका होश। ये किस तरह से काम करता है, इसे ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आपकी डाढ़ में कोई तिनका फंस जाता है, तो आपकी जीभ 24 घंटे उस तिनके को हटाने में लगी रहती है। आप दिन के सभी काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जीभ वहीं लगी रहेगी। या आपके हाथ में, उंगली में कोई फांस लग जाए, तब आप दुनिया के सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान उस उंगली में जहां फांस घुसी हुई है, आपका ध्यान वहां पर होगा। ध्यान मतलब आपकी चेतना, आपका पूरा अस्तित्व केवल उसी सेंटर पॉइंट पर होगा जहां आपको तकलीफ है। अब ऐसे में यह चेतना अनजाने में एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान में आंखें बंद करके चेतना को एक जगह इकट्ठा करना है, एक बिंदु पर, और वो बिंदु होगा आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच जहां पर थर्ड आई पॉइंट होता है। अब इसे ऐसे समझो, आपके शरीर की हलन चलन बिल्कुल बंद है, आप शांति से बैठे हुए हो, आपकी आंखें बंद हैं, तो शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा है, यानी शरीर की कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। आपकी आंखें बंद हैं,
तो वो सूक्ष्म ऊर्जा भी आपके इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा जमा हो रही है। आपको केवल बस उस ऊर्जा को ध्यान में बदलना है और उसी ध्यान के चाकू से आपको थर्ड आई पर चोट करनी है और वो कुछ ऐसे करनी है। आपको ध्यान में इमेजिन करना है कि एक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी आपके भीतर आपके रीढ़ की हड्डी से, हाँ याद रखना आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका पूरा शरीर इस रीढ़ की हड्डी पर ही टंगा हुआ है, आपके सातों चक्र इस रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं खुल सकते, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां से शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हाँ, तो आपको इमेजिन करना है कि एक ऊर्जा, चमकती हुई शक्ति, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी या एक तेज रोशनी का बिंदु, या आप जैसा भी इमेजिन कर सकते हो, बस उसे इमेजिन करना है, वो नीचे से आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे से ऊपर की ओर आपके श्वासों का सहारा लेकर वो ऊपर आ रहा है और थर्ड आई तक आ रहा है। बस आपको बार बार यही इमेजिनेशन करना है। अब यहाँ पर आपके विजुलाइजेशन की पावर काम करेगी, आपके अवचेतन मन की शक्ति, आप जैसा विजुलाइज करोगे वो सच होने लगेगा। आप विजुलाइज करो कि एक एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए आपके थर्ड आई तक आ रही है। अब ये आपका साधारण ध्यान नहीं है, आपकी पूरी चेतना, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी थर्ड आई पर है, इस पीनियल ग्लैंड पर है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये सब एक होकर एक ऊर्जा बन चुकी है, एक एनर्जी। बस आपको इसी प्रकार से ये ध्यान कंटिन्यू करना है। अब इसमें एक सवाल आप मुझसे यह पूछ सकते हो कि ये ध्यान करने के बाद हमारी थर्ड आई कितने दिनों में एक्टिवेट हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये आपके भीतर की एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है कि आप यह प्रयोग बिल्कुल ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि थर्ड आई ओपन होने के बाद हमें कैसे पता लगेगा? फ्रेंड्स, ये जबरदस्त धमाका होगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप पूछते हो आपको कैसे पता लगेगा? आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, मतलब आप चीजों और घटनाओं को देखते ही उसके बारे में एकदम से सब कुछ समझ जाओगे। आपका एक सवाल यह हो सकता है कि क्या थर्ड आई एक्टिवेशन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, आपकी निष्क्रिय पड़ी वो थर्ड आई जो दिखाई नहीं देती, जब उस पर चेतना की, ध्यान की चोट लगती है, तब वहां दर्द तो होगा ही। मतलब अक्सर देखा गया है थर्ड आई मेडिटेशन करने वालों को सिर में दर्द होने लगता है, और कभी कभी ये दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक तरह की सर्जरी हुई है। आपकी थर्ड आई जो अब तक बंद थी वो खुलेगी, एक तरह से उसका सूक्ष्म ऑपरेशन हुआ है, एक सर्जरी। और जब कोई सर्जरी होगी तो तकलीफ तो होगी ही, ठीक इसी प्रकार से आपको भी कुछ साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। और तीसरी जरूरी बात, थर्ड आई मेडिटेशन यानी तीसरी आंख का ध्यान महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर फीमेल्स आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगी
तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उनके भीतर पुरुष प्रवृत्ति आने लगेगी, वो कठोर होने लगेंगी। तो महिलाओं के लिए सबसे बेहतर ध्यान होता है हार्ट चक्रा पर ध्यान या फिर ईश्वर के प्रति समर्पण का ध्यान। एनीवे, तो ये था थर्ड आई के बारे में।